रहा है पहाड़। उत्तराखंड के वनों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। धधक रही है देवभूमि। मई महीने की शुरुआत से पहले ही धामों की भूमि पर धुएं के बादल छाए हुए हैं। उत्तराखंड के 70% भूभाग पर सुलग रहे हैं अंगारे। आग ने उत्तराखंड के 70% भूभाग पर मौजूदा वन संपदा को तहस नहस करना शुरू कर दिया है। आग की लपटों से हजारों हेक्टेयर जंगल राख हो चुका है। इस मंजर में मर रहे हैं जानवर। आग लगने से जंगली जानवर बेघर हो गए हैं। गांव घरों की देहरी तक पहुंच चुकी है आग। जंगल के आसपास मौजूद गांव पर आग का खतरा मंडरा रहा है। लोग दहशत में हैं। आग की सुनामी से बर्बाद हो रहा है पर्यावरण। पुराना प्लांटेशन है, 3-4 साल का सब कुछ जल करके राख हो गया है। इससे हमारे जंगली जानवरों को, पालतू जानवरों को और हमारे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। पहाड़ में लगी इस आग से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। पूरा उत्तराखंड कुदरत के कहर से तप रहा है। पेड़ पौधों के नष्ट हो जाने से पर्यावरण पर असर पड़ेगा। वन विभाग की अग्नि परीक्षा। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग के कर्मी जी जान से लगे हैं। दिन रात आग बुझाने में लगे हैं। सरकार के सामने सुलगते जंगल को बचाने की चुनौती। पहाड़ को जलने से रोकने के लिए खुद सीएम रावत मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी जिलों को आग पर काबू पाने के लिए 10-10 लाख रुपए मुहैया कराए गए हैं। प्रत्येक जिले को वन अग्नि को रोकने के लिए कुछ फंडिंग की है, 10-10 लाख रुपया उसके लिए हमने हर जिले को अभी दे दिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं के न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। जी हां, जल रहा है पहाड़, दहक रही है देवभूमि। गर्मी शुरू होने के साथ ही उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो चला है। अप्रैल के महीने में ही हजारों हेक्टेयर जंगल को आग ने जकड़ लिया। उत्तराखंड के कई इलाकों में आलम यह है कि आग जंगल के आसपास बसे हुए गांवों तक जा पहुंची है। ऐसे में सरकार और वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिर आग पर कैसे पाया जाए काबू। जैसे जैसे आसमानी पारा चढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उत्तराखंड के जंगलों में आग तेजी से फैलने लगी है। आलम यह है कि उत्तराखंड के 70% भूभाग पर मौजूद वन संपदा के धधकने की कवायद फिर तेज होती दिख रही है। आग की लपटों ने जंगल के जीवन को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आग के विकराल तांडव को रोकने के लिए सरकारी महकमा हर साल भरसक प्रयास तो करता है, लेकिन आग के सामने विभाग के सारे प्रयास जलकर खाक हो जाते हैं। बात चाहे जो भी हो, लेकिन विभाग के पास आग बुझाने के संसाधनों का टोटा बरकरार है, इसलिए हर साल हजारों एकड़ वन संपदा जलकर राख हो जाती है। बीते साल की तरह इस साल भी जंगल में आग फैलने का आगाज हो गया है। इस आग से जंगलों को बचाने के लिए सरकारी स्तर पर भी कवायद तेज हो गई है। आग का बड़ा कारण मैंने कहा कि जो चीड़ की पत्तियां हैं, इसके लिए हम इसको मनरेगा के साथ डबटेल करके और उन पत्तियों को खरीद करके उससे आज हम बैठे थे, उससे फाइल कवर, हमने कहा कि जो फाइल कवर उससे बन रहे हैं वो हम उससे बनाएंगे और राज्य सरकार उनको खरीदने का काम करेगी। जंगलों में लगी आग की मॉनिटरिंग खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं। सीएम का कहना है कि वनों में आग लगने का मुख्य कारण चीड़ के पत्ते हैं। सरकारी स्तर पर आग पर काबू पाने के लिए हर कोशिश कर रही है, इसलिए हर जिले को 10-10 लाख रुपए मुहैया कराए जा चुके हैं। वन अग्नि को रोकने के लिए कुछ फंडिंग की है, 10-10 लाख रुपया उसके लिए हमने हर जिले को अभी दे दिया है और आपदा के लिए लगभग 46 करोड़ रुपया हमने इन जिलों को जिलाधिकारियों के निवर्तन पर दे दिया है
और दूसरी बात जो आग का बड़ा कारण मैंने कहा कि जो चीड़ की पत्तियां हैं, इसके लिए हम इसको मनरेगा के साथ डबटेल करके और उन पत्तियों को खरीद करके उससे आज हम बैठे थे, उससे फाइल कवर हमने कहा कि जो फाइल कवर उससे बन रहे हैं वो हम उससे बनाएंगे और राज्य सरकार उनको खरीदने का काम करेगी। आग से जंगलों के आसपास के रहने वाले लोग दहशत में हैं। आग गांव देहरी तक पैर पसार चुकी है, इसलिए लोगों को डर है कि पिछले साल की तरह इस बार भी कहीं आग की लपटें लोगों की जिंदगी न छीन ले। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भी आग पर नियंत्रण पाने के लिए कवायद की जा रही है, वक्त वक्त पर मॉक ड्रिल हो रही है ताकि कर्मचारी भी सतर्क रहे। फॉरेस्ट हमारा स्टेट गवर्नमेंट का एक नेशनल रिसोर्स है, तो कहीं ना कहीं पूरे स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि फॉरेस्ट फायर से हम लोग फाइट करें, और अभी भी जो मेन लीड पार्टनर है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बिकॉज उनके पास टेक्निकल नो हाउ है, उनके पास मैन पावर है, उनका अपना पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है। सचिव आपदा प्रबंधन खुद विभाग की कसरत का जायजा ले रहे हैं। उनका कहना है कि वनों में आग पर काबू पाने के लिए हर विभाग के अधिकारी को तैयार किया जा रहा है ताकि वक्त पर किसी तरह की दिक्कत ना हो सके, बहुत सपोर्ट कर सके फॉरेस्ट फायर डील करने के लिए। हमने जितने भी बाकी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे पुलिस को हमने इन्वॉल्व किया है, एसडीआरएफ को इन्वॉल्व किया है, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया है, हमारे पीआरडी को इन्वॉल्व किया है, सिविल डिफेंस को इन्वॉल्व किया है, मेडिकल डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया है, इस तरह से बहुत सारे अन्य डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको हमने फॉरेस्ट फायर से डील करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ लगाया है और हमने सब कलेक्टिवली मिलकर आज की फॉरेस्ट फायर से डील किया है। ये कोई पहली बार नहीं है, यहाँ पर लोग साल दर साल आग से जूझते रहे हैं। देहरादून से के न्यूज के लिए पंकज राणा की रिपोर्ट। देवभूमि में जंगलों के जलने की शुरुआत फरवरी में ही होने लगी थी। फरवरी में आग की करीब 9 घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद इन घटनाओं में बढ़ोतरी होती गई और अप्रैल आते आते 100 से ज्यादा घटनाएं दर्ज हो गई। अप्रैल में अभी तक आग लगने के 48 मामले सामने आए हैं। जंगलों में लगी आग ज्यादा न फैले, इसके लिए वन विभाग के अधिकारियों ने बैठक भी की। बैठक में आग पर कैसे काबू पाया जाए, इस पर चर्चा हुई। सूबे के प्रमुख वन संरक्षक राजेंद्र कुमार ने बताया कि वनों को आग से बचाने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। राजेंद्र कुमार ने बताया कि फायर सीजन में जंगलों में आग की घटनाएं ज्यादा आती हैं, जिसके देखते हुए विभाग ने जागरूकता अभियान से लेकर कर्मचारियों की तैनाती कर दी है। देवभूमि में हर साल फरवरी से जून तक के बीच वनों पर आग आफत बनकर टूटती है, जिससे हर साल बड़े पैमाने पर वन संपदा को नुकसान पहुंचता है। पिछले 10 साल में जंगल की आग ने कई हजार हेक्टेयर क्षेत्र को प्रभावित किया है। अगर पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2007 में करीब 1595 हेक्टेयर जंगल को आग ने तहस नहस कर दिया था। साल 2008 में आग ने ज्यादा वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से करीब 2369 हेक्टेयर जंगल आग से प्रभावित हुए। तो वहीं 2009 में करीब 4115 हेक्टेयर, 2010 में 1611, तो वहीं 2011 में करीब 232.00 हेक्टेयर वन क्षेत्र में आग लगी थी। साल 2012 में 2823.89 हेक्टेयर क्षेत्र आग की चपेट में आ गया था। 2013 में लगभग 384.05 हेक्टेयर, 2014 में 930.33 हेक्टेयर में आग फैली थी। साल 2015 में करीब 4292.35 हेक्टेयर और बीते साल 2016 में करीब 4433.35
7.5 हेक्टेयर जंगल में आग ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। इस साल फरवरी से मार्च तक मौसम के साथ देने से आग की घटनाएं कम हुई, मगर अब तापमान बढ़ने से आग की घटनाओं में इजाफा हुआ। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य में अब तक हुई आग की 105 घटनाओं में से 48 घटनाएं सिर्फ अप्रैल महीने में हुई। वातावरण को हो रहा है, जिससे हमारा वातावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है और इससे इसकी वजह से पेड़ पौधों की बहुत यहाँ पर हानि हो रही है। आग पर जल्द ही से काबू ना पाने के पीछे कहानी ये भी है कि विभाग के पास आज भी आग बुझाने के अत्याधुनिक संसाधन नहीं है। आज भी आग बुझाने के लिए मुख्य हथियार के रूप में झापा हरी टहनियों को काट कर बनाया जाने वाला झाड़ू ही है, जिसकी मदद से कर्मी आग बुझाने की कोशिश करते हैं। इनके लिए मेनली हमारी तैयारियां ये हैं। अभी हमको कमान ने करीब 25 फायर वॉचर दिए हैं आग के लिए, बाकी 21 आदमियों का हमारा परमानेंट स्टाफ है, जिसमें कि अभी तक हमने अपने जितने भी हमारे फायर लाइनें हैं वो साफ कर दिए हैं, जितने भी रास्ते हैं वो हमने सारे क्लियर कर दिए हैं और दो दो फायर वॉचर हर फॉरेस्ट गार्ड को दिए हैं। 6 फॉरेस्ट गार्ड है हमारे पास, दो दो उनको दिए हैं और एक टीम बना के रखी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे करीब 7-8 फायर वॉचर ये हमारे हैं, ये कहीं से भी हमारे पास जो आग की सूचना आती है तुरंत ही इनको मौके पर ले जाया जाता है और आग पर हमारे द्वारा काबू पा लिया जाता है। आग बुझाने वालों कर्मियों के सामने आधुनिक संसाधनों का टोटा तो है, इसके अलावा और भी कई चुनौतियां हैं जिसकी वजह से इन लोगों को आग बुझाने में दिक्कत आती है। लगातार पारा चढ़ने से आग बुझाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि पारा बढ़ने के साथ साथ आग का विकराल रूप भी बढ़ता जाता है। इसके अलावा सरकार की तरफ से मिलने वाले बजट में कमी, नीति नेताओं की वनों से दूरी, जंगलों में नमी, पेरोल का उपयोग, आग बुझाने में जन सहभागिता का न होना और जन जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियां आग बुझाने में सबसे बड़ी दिक्कत पैदा करती हैं। हमारे राज्य में लगभग 18-22% चीड़ के जंगल हैं। चीड़ के वनों में ही आग लगती है। चीड़ के वनों में आग लगने का मुख्य कारण जो पिरूल है, चीड़ की जो पत्ते हैं जिनको पिरूल कहते हैं वो है। ऐसा एक आकलन है कि प्रतिवर्ष लगभग 30-40 लाख टन पिरूल ये गिरता है। वो पिरूल एक ज्वलनशील पदार्थ है। हम लोगों ने ऐसा देखा है, मैं तो इसको इनकार नहीं सकता जो आपने कहा है कि नुकसान नहीं होता, वो नुकसान जो हमारे यहाँ अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं वो 2-3 तरह की होती हैं। उत्तराखंड में जो मुख्य रूप से अग्नि दुर्घटनाएं देखी गई हैं वो सरफेस फॉरेस्ट फायर्स हैं। सरफेस का मतलब है कि हमारा जो पिरूल गिरा हुआ है वो जलता है ज्यादातर केसेस में, परंतु कोई इक्की दुखी घटनाएं ऐसी हो जाती है जिसमें चीड़ के जो पेड़ है क्राउन फायर जैसे बोलते हैं वो भी होते हैं। अगर सरकार और जन समान इन कमियों को पूरा करे तो शायद जितनी बड़ी तादाद में वन संपदा को आग से नुकसान होता है उतना ना हो। देहरादून से के न्यूज के लिए पंकज राणा की रिपोर्ट। जंगलों में लगी आग से तबाही कम हो, नुकसान कम हो, इसके लिए सूबे की नई सरकार अलर्ट है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी कमान संभाल रखी है। जंगलों में आग से पनपे हालातों से निपटने के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। रिपोर्ट को देखिए, समझिए कि आग ने कैसे मचा रखा है तांडव, क्या हो रहे हैं उपाय। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए के न्यूज के साथ। जंगल की आग जब एक बार लग जाए तो उस पर काबू पाना आसान नहीं होता। एक पेड़ से दूसरे पेड़ और दूसरे से तीसरे, इस तरह पूरे जंगल को आग अपने आगोश में समेट लेती है। उत्तराखंड में फैले आग के इस समंदर को देखिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग विकराल रूप धारण कर चुकी है। आग बुझाने के लिए नई सरकार अलर्ट मोड पर है। ये आग शहरी इलाकों तक ना पहुंचे और शहरी इलाकों में बसे लोगों को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए भी सरकार वो तमाम प्रयास कर रही है जिससे शहर तक पहुंचने से पहले ही
इस आग पर काबू पाया जा सके। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने भी कमर कसी है। वन विभाग ने 40 मास्टर कंट्रोल रूम बनाए हैं, जिन्हें 1166 क्रूज स्टेशन से जोड़ा गया है, ताकि जंगल में आग की घटना सामने आते ही तत्काल कार्रवाई हो सके। 506 स्टेशन पर वायरलेस कनेक्टिविटी की गई है। 35 रिपीटर स्टेशन, 199 मोबाइल सेट, 1631 वायरलेस हैंडसेट और 89 वॉच टावर बनाए गए हैं, ताकि आग को रोका जा सके। साथ ही 3000 से 6000 सीजनल फायर वॉचर व श्रमिक रखे गए हैं। तो अब आज हमारी तैयारियां क्या हैं? वन विभाग द्वारा हर एक वन प्रभाग में एक मास्टर कंट्रोल रूम बनाया गया है। हमारे यहाँ लगभग 1400 के आसपास हमारे क्रू स्टेशन हैं। हमारा पूरा अपना वायरलेस तंत्र है, वायरलेस तंत्र है, साथ में मोबाइल का तंत्र है। जैसे ही हमें सैटेलाइट से सूचना मिलती है कि फलां जगह आग लगी है, उस सूचना को तत्काल जो है प्रभागीय वन अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। प्रभागीय वन अधिकारी के साथ साथ इसको जो हमारे क्रू स्टेशन हैं, हमारे फॉरेस्ट गार्ड हैं, उनको सीधे SMS भेजा जा रहा है, ताकि जो समय लगता है प्रभागीय वन अधिकारी से जो फॉरेस्ट गार्ड को, जो हमारे क्रू स्टेशन को जो आग के बारे में सूचना है, वो सीधी तुरंत यहीं से ही मिल जाए। तो ये बहुत बड़ा जो पहली बार कार्य हम लोगों ने किया है। राज्य का फॉरेस्ट एरिया 4 जोन में विभाजित है। इसमें से 11,280 हेक्टेयर हाई रिस्क जोन में आता है, 15,410 हेक्टेयर जंगल मीडियम रिस्क जोन में आता है, इसी तरह से 11,144 हेक्टेयर लो रिस्क जोन में आता है और 15,648 हेक्टेयर को नो रिस्क जोन में गिना जाता है। बीते साल की घटनाओं से सबक लेते हुए पहली बार उत्तराखंड फॉरेस्ट अधिकारियों ने गुजरे 10 साल के आंकड़ों के आधार पर 5 संवेदनशील जोन चिन्हित किए हैं। ये जोन 10 साल में आग लगने की कई घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ऐसे में आग का सैलाब उत्तराखंड में फैलता जा रहा है, तो इन जगहों पर खास निगरानी रखी जानी जरूरी है। देहरादून से पंकज राणा, KNews।